हाजरीन सखी सरवर सुल्तान लख दाता लाला वाला पीर पीर निगाहे वाला अते पीर गौस पाक अब्दुल कादर जलानी ग्यारहवीं वाली सरकार जी दियां जीवन कथावां नाल संबंधित पिछले 30 सालां तों तुसी साडे 25 भाग सुन चुके हो। उन्हां पीर निगाहे वाला दे 25 भागां नूं तुसी सुनिया बेहद पसंद कीता ते सानू अथाह माण ते प्यार बख्शिया। उसे प्यार सदका आप जी की खिदमत हुण पेश है एक जोत फिल्म्स फगवाड़ा वाले की तरफों इसे लड़ी का अगला हिस्सा पीर निगाहे वाला भाग 26वां। इस जीवन कथा नूं अपनी मिठी ते सुरीली आवाज नाल चार चंद ला रहे हैं तुहाडे जाने पहचाने कलाकार गुरदेव दलगीर कुल्ला सरहाले वाला के कुलदीप जतिंदर पिंकी बेबी कलेर अते जसवीर कौर। तां फिर आओ आपां इक मन इक चित हो के इस जीवन कथा दा भरपूर आनंद माणिए।
सब नूं तारदा। साध संगत जी, एक कहानी है लख दाता लाला वाला पीर पीर निगाहे वाला जी दी। एक परम सेवकन पाक मरीद अते रूहानी फैज दी आशिक संजोगता जी दी। संजोगता जी का जन्म 17 अक्तूबर 1984 नूं पंजाब दे लुधियाना शहर विच वसे न्यू मोती नगर विच पिता सरदार किरपाल सिंह जी अते माता श्रीमती गुरमेज कौर जी दे ग्रह विखे होया। इस परिवार विच 4 भैन भरा हन, जिन्हां चों वड्डा भरा कुलवंत सिंह ते उस तो छोटी भैन राजराणी, उस तो छोटी संजोगता जी ते तिन्हां तो छोटा भरा गुरनेक सिंह है। इन्हां दा पूरा परिवार लखदाता जी दा मुरीद है ते अक्सर हिमाचल प्रदेश दे ऊना शहर दे कोल बसे पीर निगाह दरबार विच सीधा सलाम करन लई जांदा रहिंदा है। इस करके संजोगता जी नूं छोटी उम्र तों ही लखदाता जी नाल प्यार हो गया सी। इन्हां दे दसण मुताबक इन्हां दे घर च सवेरे शाम लखदाता जी दियां कैसटां वजदियां रहिंदियां सन, जो कि साडी पार्टी दियां ही गाईयां होईयां सन। अज भी संजोगता जी बड़ा माण महसूस करके कहिंदी है कि मैनू कुल्ला सरहाले वाला अते उन्हां दी पार्टी दियां कैसटां सुन के ही लखदाता जी नाल इश्क होया है। संजोगता जी ने मुंडली पंजवीं तक की विद्या सरकारी स्कूल तो की, उस तो बाद प्लस टू तक की पढ़ाई रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज मिलरगंज लुधियाना तो की। उन्हां दे कहण मुताबक जदों वह स्कूल जाती तो शाम वेले वापसी तो रास्ते चों कुछ फुल तोड़ के लियांदी ते घर च ही पई लखदाता जी की फोटो दे मूहरे वो फुल चढ़ा दिंदी। उम्र न्याणी अते ज़्यादा समझ ना होण करके वह लखदाता जी नूं बस सीधा सलाम ही करदी। हौली हौली ये प्यार वधदा गया। कुछ समय बाद संजोगता जी ने अपने घर के एक कमरे विच कुछ इट्टां लगा के एक छोटा जिहा थड़ा बनाया, उसते हरे रंग का कपड़ा विछा के लखदाता जी की फोटो नूं सजा के धूफ चिराग जला के उसनू एक दरबार नुमा बना लिया। बस फिर की सी, घरदियां नूं यह सारा कुछ चंगा नहीं लगा। उन्होंने मना किया, दबकाया भी ते धमकाया भी कि तू अजे बच्ची है, तैनू इन्हां गल्लां दा पता नहीं, तू एक लड़की है, असी तेरा विआह भी करना है, इस करके ये सारा कुछ तेरे लिए ठीक नहीं है। परिवार के लख समझाउण दे बावजूद भी संजोगता जी ने अपनी बचपन दियां सहेलियां नाल खेडण दी बजाए लखदाता जी दी इबादत च समां गुजारना बेहतर समझिया। वह मापियां तो चोरी चोरी दाता जी दी इबादत करदी, प्यार करदी, समें दी चाल दे नाल पता ही नहीं लगा कि वह कदों लखदाता दी दीवानी ते मस्तानी हो गई। ते हर साल नाल अपनियां सहेलियां दे नाल लखदाता जी नूं रब रूप जाण के कुछ इउं गुणगान करन लगी। लखदाता दे सोने दरबार विचों भागा वालिया नू रहमता मिलदियां ने, मैं मेरी ते तेरे मेर खत्म हो जाए, तारा जुड़ दिया जिस नाल दिल जुड़ दिया जिस नाल दिल दिया ने। प्रीत एवें तानी, प्रीत एवें तानी, प्रीत एवें तानी तेरे संग लाई, प्रीत एवें तानी तेरे संग लाई, तेरे चो असी रब देखे, प्रीत एवें तानी तेरे संग लाई,
दिल दे फ्रेम विच फोटो तेरी जड़ के बैगे तेरे रावा विच असी हुण अड़ के दिल दे फ्रेम विच फोटो तेरी जड़ के बैगे तेरे रावा विच असी हुण अड़ के सानू भुल गईया सानू भुल गईया सारी लुकाई तेरे चो असी रब देखिया प्रीत एवें तानी तेरे संग लाई तेरे चो असी रब देखिया तेरे चो असी रब देखिया साडा मक्का साडा हज तेरे नाले सच जानी जिंदगी ते मौत दा सवाल तुयो साडा मक्का साडा हज तेरे नाले सच जानी जिंदगी ते मौत दा सवाल तेरे नाल चंगी एक नहीं अनेका इस दर दे मुरीद जी एक नहीं अनेका इस दर दे मुरीद जी कुल्ला सरे हाले दावी दिलो कर दीद जी कुल्ला सरे हाले दावी दिलो कर दीद जी एक नहीं अनेका इस दर दे मुरीद जी कुल्ला सरे हाले दावी दिलो कर दीद जी तेरी चांदे हाँ तेरी चांदे साध संगत जी संजोगता जी ने अपनी बीती जिंदगी दे कुछ पलां नूं मेरे नाल सांझे करदिआं दस्सिआ कि पीरां प्रति मेरी लगन वधदी ही गई। इबादत करदे समें मैं अपनी सुध बुध ही खो बैठदी सी, खास करके जदों मैं पीर नगाहे वाला भाग दूजा जिस विच रूड़ी माता दा प्रसंग सी ते पीर नगाहे वाला भाग तीजा जिस विच दानी जट्टी दा प्रसंग सी सुणदी सां ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਲਮੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲ ਮੁੰਡੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲਾ ਰਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮੰਡਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਂ ਸਾਈਂ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਦਰੀ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ
इस दरबार से बड़ा भारी मेला लगता है। उस समय गर्मियों दी छुट्टियां अपने पिंड विच कट्टन आई संजोगता जी नूं उसकी मासी ने कहा कि चल आपां मंडाली शरीफ दरबार से जाके सलाम करके आईए, नाले मेला भी वेख आवांगे। बस फिर की सी, परिवार समेत सारे मंडाली शरीफ मेले विच आ गए। हर पासे खुशी का माहौल सी, संगतां दाता जी नूं सीधा सलाम कर रही सन। बाहर मेले विच बेशुमार दुकानां सजियां सन, चंडोल झूले लगे हुए सन, हर कोई मेले का भरपूर आनंद माण रहा सी। ते इधर दरबार के गद्दी नशीं साईं बिल्ले शाह जी संगतां दे भरपूर इकट्ठ विच पूरी मस्ती विच एक कवाली का भरपूर आनंद माण रहे सन। इश्क तेरे मैनू कमला कीता, एक पल भी चैन ना आवे, दर्द भी छोड़े दो मेरे दाता, हुण होर से आ ना जा, नूर तेरे दी इक किरण जे किते मैनू भी रुशनावे, मारू थल जे ए जिंद कुले, कदे जन्नत अपना बना के रख साइया, तेरे इश्क च कमला हो गया मैं, मैनू अपना बना के रख साइया, तेरे इश्क च कमला हो गया मैं, मैनू अपना बना के रख साइया, अपना बना के।
ਵਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਂ ਸਾਈਂ ਬਿੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਜੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੰਜੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਿੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਵੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੋਗਤਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰ। ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦੇਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਜੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਮਮੇਟ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਲਈ। ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਿਤਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਸਨੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖ ਮਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਡਾਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਈਂ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਘਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਢੋਲਕ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਲਾਲਾ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੂੰ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਸ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਨਗਾਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਜੋਗਤਾ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਦ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੂਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਣਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਨੇ ਆਹ ਪਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸੀਨ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਿਟਰ ਵਿਟਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਝੱਲੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਦੇਵੀਂ, ਰੂਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਜੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨੂਰ ਹਾਂ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਤਦ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਝੱਲ ਨਾ ਖਿਲਾਰ, ਚੱਲ ਉੱਠ, ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਆਖਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਸੰਜੋਗਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਗਾਨੇ ਘਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ। ਤਦ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਦੇ ਜਗਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ ਮਰੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਜ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਵਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ। ਆਖਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਆਖਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਨਣਾਨ ਅਤੇ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2-3 ਵਾਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਲੱਗੀ।
नूर जहां अपने पीर दे इश्क च खुबी सी ते ओ हर वीरवार पीरां दे दरबार जान लग पी, जिस करके उसके सहुरे परिवार ने उससे तरह तरह के इल्जाम लाने शुरू कर दिते कि किसी होर मुंडे नूं मिलन जांदी है, ये गलत है, इसका करैक्टर ठीक नहीं। घरदियां दी गल सुन के पति दविंदर भी मंदा चंगा बोलन लग पिया। आखिर उसने भी नूर जहां नूं बुलाउणा बंद कर दिता ते अपने वालों कहानी खत्म कर दिती। ज़्यादा गल बदन ते नूर जहां अपने पेके परिवार अपने घर वापस आ गई। माता पिता इस गल तो बहुत दुखी सन, पर नूर जहां अपने मुर्शिद दे रंगां च रंगी बहुत खुश सी। सारे जग दी होश भुला के वो अपना इबादती समा इउं बतीत करन लगी। संगत जी, नूर जहां दा अपने पीर प्रति अथाह प्यार, लगन, सच्ची नेचा अते निराला इश्क देख के मापे परेशान रहन लगे। पूरा परिवार नूर जहां नूं
पीर दे चक्करां चों कढ़न लई पंडितां पाध्यां जोशियां ते काले इलमां दे माहरां कोलों धागे तवीत कराउण लगा। जादू टूने करन लगा। गली महल्ले दे लोकां अते रिश्तेदारां दियां वाधू घाटू गल्लां अते मेहणे तानिआं तों बचण लई जो कम नहीं सी करने उह वी कीते, पर मुर्शिदे रंग चरंगी नूर टस तों मस ना होई। आखिरकार सहुरा परिवार भी 5-6 महीने च इत्थों तक आ गया कि असी मुंडे दा तलाक लै लैणा, सानू इहो जे नूह नहीं चाहीदी। गल की, जदों नूर नूं पता लग्या कि गल तलाक तक आ गई है ते मेरे घर दे मैनूं दूजा विआह करन लई कहणगे, तद उसने लख दाता जी अगे रो रो फरियाद कीती कि मैनूं तेरे नाल इश्क करन दी इह की सज़ा मिलण लगी है, मैं होर विआह नहीं करवाउणा, इस तों चंगा है कि मैं पहला घर ही दसा लवां। सो पीरा, कृपा कर मेरा पति दविंदर ही मैनू इटली लै जावे ते मेरा घर वस जावे। सतसंग जी, नूर जहां दी पुकार सुनी गई। कुछ दिनों बाद ही दविंदर कुमार दा इटली तो फोन आ गया कि जे ये मर्यादा विच रह के घर बसाउणा चाहुंदी है तो मैं इसनू इटली तो पेपर भेज दिंदा हाँ ते मैं आप आके लै जावांगा। दाता जी की कृपा नाल सारे काम रास हो गए। सारिआं दे मनां चों गुस्से गिले ते दूरियां खत्म हो गईआं। नूर जहां खुशी खुशी इटली पहुँच गई। कुछ समा बीतिया। एक रात दविंदर कूक नींद चों अंबड़वाहे उठिया ते कहण लगा कि मैनू एक हरे कपड़िया वाला बजुर्ग डरा रहा है ते कह रहा है कि मेरा आसन तैयार करो, मैनू तुसी अटैची च बंद करके रखिया है। जदों इस गल का नूर जहां नूं पता लगा तो उसने डरदी डरदी ने कहा, दविंदर जी, मैं इंडिया तो आउंदी होई लख दाता जी दी फोटो एक हरे रंग के कपड़े लपेट के अपने अटैची च रख के लियाई हाँ, ताँ कि जदों तुसी मनोगे उदों मैं दाता जी की फोटो कमरे च लगा के धूप बत्ती कर लिया करांगी। इस गल ते दविंदर हैरान होया ते कहन लगा, चल खोल अटैची, दिखा तां फोटो। नूर जहां ने अटैची खोल के फोटो कढ़ी, साफ कीती ते मत्थे ना लगाई। अखां चों त्रिप त्रिप हंझू बगण लग पए। हथ जुड़ के कहन लगी, दाता जी, मेरे तो भुल हो गई, मैनू माफ़ कर दिओ। ये नज़ारा देख के दविंदर कुमार ने कहा कि संजोगता, चल कोई गल नहीं, तेरा पीर प्रति विश्वास है, तू फोटो कमरे च लगा लै, तू बत्ती कर लिया कर, चिराग जला लिया कर। आखिर समा बीतिया। तकरीबन 2 साल बाद एक दिन दविंदर रात के समय शराब पी के घर आया। बुधवार की रात सी। नूर जहां दूजे दिन वीरवार होने करके पीर के दरबार को साफ कर रही सी। जो चिराग सन उन्होंने भी तेल बत्ती पा के सवेरे सीधा सलाम ते इबादत करने लई तैयार कर रही सी। ये सब कुछ देख के दविंदर कुमार पागल जिहा हो गया। उन्हें सारे चिराग भन दिते, दाता जी की फोटो वाला कैलेंडर पाड़ दिता, सारा समान खिलार दिता ते मंदा चंगा बोल बोलन लग्या कि तेरे पीर ने तेनू की दिता, साढ़े घर च कलेश पाई रखिया, अज तक तेरी कुख नू भाग नहीं लगे, इन्ने चिर च तेरे औलाद नहीं हुई, कादा पीर है, झूठ है सब झूठ। सतसंगत जी, होर भी पता नहीं की कुछ बोलिया। नूर जहां सुन जही हुई, अखां चों हंझू डोलदी, सारा कुछ चुप चाप सुनती रही। आखिर दविंदर तो नशे की लोड़ च सौ गया, पर नूर जहां अपनी किस्मत नू कोसदी रही ते लख दाता नू याद करके गिले शिकवे भी करती रही। अमृत वेला हो गया। नूर जहां उठी, इशनान कीता ते लख दाता दे उस दरबार च आई, फटी हुई फोटो नू जोड़िया, चिरागां च तेल पाया, नवी बत्ती पा ली, धूप तुखा के लख दाता जी कोल अपने दिल का हाल कुछ इउं फोलन लगी।
संगत जी नूर जहां की अरदास बेनती पीर दरबार विच प्रवान हो गई। नूर जहां अखां बंद करके अपनी इबादत विच लीन सी, तद की महसूस किया कि दाता जी उसकी बगल च खड़े हैं। उन्हें वालों एक चिट्टे रंग की लाइट इसके पेट विच आके वजदी है। एक झटका लगता है, नूर जहां हिल जाती है ते झटपट नेत्र खुल जाते हैं। आला दुआला देखती है पर कुछ नज़र नहीं आता। इस वाक्या नाल नूर जहां अपने पेट विच कुछ अलग तरह की हरकत महसूस करती है। ये की करिश्मा सी, इस बारे सोचती सोचती नूं दिन चढ़ गया। नाश्ता करते समय अपने पति नाल ये गल सांझी कीती। अगो दविंदर हस पिया ते कहण लगा, ये सब वहम है तेरा, तेनू पीर तो सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। पर नूर जहां नूं चैन कित्थे? आखिर शाम वेले उसने पति नाल जिद करके डाक्टर नूं चैकअप कराउण लई मना लिया। दूजे दिन चैकअप कराया, रिपोर्ट आई तो चंगी खबर सी। नूर जहां मां बनने वाली सी, हुण दोवें जी बहुत खुश सन। मजाक मजाक च दविंदर कुमार ने फिर कह दिता, मैं तेरे लख दाते नूं तां मन्नांगा जे वह तैनू पुत्र ही देवे। साध संगत जी गल भावें मजाक च कही सी पर नूर जहां दे दिल ते लग गई। वह जदों भी इबादत लई बैठदी ते जरूर बेनती करदी कि दाता जी पुत्र दी दात ही बख्श दिओ, मेरी लाज रह जाए, तुहाडे नाम नूं दाग ना लग जाए। ये भी मेरी कठिन प्रीख्या है, देखियो कितें मैं फेल ना हो जाँ। आखिर कुछ समय बाद साल 2008 विच नूर जहां ने एक सोहण जिहे पुत्र नूं जन्म दिता। बस फिर की सी, हर पासे खुशी दे फुहारे फुट पए, दोवां परिवारां जश्न मनाए गए। उस वेले नूर जहां ने अपने पति नूं बेनती कीती कि आपां अपने पुत्र दा पीर दंगाहे जाके सलाम करा के आउणा है। दविंदर ने झटपट हाँ कर दित्ती ते कहा कि बेटा एक साल दा हो जाए ता जरूर जावांगे। साध संगत जी समा बीतदा गया। तकरीबन 5-6 महीने बाद दविंदर कुमार अचानक बीमार हो गया। उसनू इटली दे सकीओ होस्पिटल विच दाखिल किया गया। डॉक्टरां दी रिपोर्ट आई कि यह HIV पॉजिटिव है, इसका बहुत ज़्यादा शराब पीन करके लीवर भी खराब हो गया है, इसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। इस दे नाल होर भी कई प्रॉब्लम्स ने, इस करके ये मसा 3-4 महीने का ही मेहमान है। जदों इस गल का नूर जहां नूं पता लगा तो रो रो के बेहाल हो गई कि यह मेरे नाल की भाणा वरत गया। आखिर अपने पीरों मुर्शद के चरणों च आ गई तो गल च पल्ला पा के फरियाद कर लगी कि पीरा, जे तू मैनू पुत्र दे के मेरा पति खोना सी तो पुत्र दिता ही क्यों? मेरे नाल इन्नी बेइंसाफी ना कर, मेरे परिवार दीयां खुशियां मैनू वापस कर दे। साध संगत जी दविंदर कुमार की हालत दिनों दिन खराब होंदी वेख के उसने इंडिया आउण दा मन बना लिया कि मैं पीर निगाहे जाके इसकी जिंदगी की दुआ मंगनी है। सारिआं दे मना करन ते वी कि तू बीमार पति का साथ देण दी बजाए इकला छड के आ रही है, ये गलत है। पर फिर भी नूर जहां लख दाता पीर दे भरोसे छड के खुद आप बच्चे समेत लुधियाने आ गई। आउंदे सार अपने मम्मी पापा नूं नाल लिया ते पीर निगाहे दरबार ते पहुँच गई। सीधा सलाम किया, पीर दी मजार ते लगी बरलाप करन। सारे ने बड़ा समझाउण दी कोशिश की पर ओ ना मन्नी, रोंदी रही, बरलाप करदी रही, जिद कर ली कि लख दाता पीरा, जे तू मेरा पति ठीक ना किया तो मैं भी इत्थे ही तेरे दरबार ते अपने प्राण त्याग देने हैं, हुण तू जाने जां मैं जाना। माँ प्यो ने बहुत समझाया कि बेटा इंज नहीं करीदा,
तेरा पुत्र बहुत छोटा है, इसनू संभाल, ये पागलपन छड़ दे, उठ घर वापस चलिए। दाता जी आपे मेहर करनगे, पर जैद दी पक्की नूर जहां अपने बोलां ते अटल अड़ी रही कि मैं घर वापस खाली हथ नहीं जाना। साध संगत जी दो तीन चार जां पंज दिन नहीं बल्कि पूरे 11 दिन भुखी प्यासी रोंदी करलाउंदी पीर निगाहे दरबार च पीर अगे इउं अरदासां करदी। संगत जी आखिर 11वें दिन नूर जहां दे
एक परिवारक मैंबर ने पीर निगाहे आके दसिया कि इटली तो दविंदर कुमार का आप फोन आया है कि वह बिल्कुल ठीक है। सारिया रिपोर्टा सही ने, डॉक्टर हैरान ने कि पता नहीं ये की करिश्मा हो गया है। हुण रिपोर्ट विच लीवर भी ठीक ने, HIV भी नैगेटिव है ते बाकी बीमारियां भी ठीक हैं। साध संगत जी ये सुन के नूरजहां दरबार च होर भी उच्ची उच्ची रोन लग पई, खुशी विच कमली जही हो गई ते आ मुहारे बोलन लगी कि ताने तू पीरा, तन तेरी शक्ति, ये सारा कमाल पीरा लखदाता जी तुहाडा ही है। बस फिर की सी, सारे परिवार के चेहरे खुशी नाल खिल उठे ते लखदाता जी का शुकराना करके वापस लुधियाने आ गया। इत्थे आके नूरजहां ने दूजे दिन की इटली की टिकट कराई ते फ्लाइट लैके बच्चे समेत अपने पति देव के चरणां च जा पहुँची। नूरजहां के दसण मुताबक ये सारियां रिपोर्टां अज भी स्पैशल इटली के डाक्टरां ने सकियो होस्पिटल 2008 तो लोगों को दिखाने लिए रखिया हुई हैं। कोई भी बंदा उत्थे जाके चैक कर सकता है ते पूरी पुछ पड़ताल कर सकता है। साध संगत जी उस दिन तो ही दविंदर की जिंदगी बदल गई, वह भी लखदाता का मरीज हो चुका सी, सारे भरम भुलेखे मुक चुके सन। उधर नूरजहां फकीरी रंग विच होर भी रंगी गई, हुण उहदे लई सिर्फ ते सिर्फ लखदाता जी ही सन। खुशियां दे पलां च 2 साल कदों बीत गए पता ही ना लगा। 2010 विच इन्हां दे घर विच एक होर पुत्र ने जन्म लिया जिस दीआं बेहद खुशियां ते जशन मनाए गए। समां बड़ा बलवान है, शायद नूरजहां दे इश्क दी अजे होर प्रीख्या बाकी सी, क्योंकि बीते समय च दविंदर कुमार सिरे दा शराबी ते झगड़ालू किस्म दा सी। लोकां नाल लड़ाई झगड़ा करना आम जिही गल सी। एक बार इसने अपने कुछ दोस्तों नाल रल के बहुत वड्डा झगड़ा कर लिया जिसका केस इन्हां ते चल पिया, जिस करके इन्हां नूं सिटीजन मिलनी मुश्किल हो गई ते नौबत इंडिया वापस आउण दी हो गई। इस कीती गलती नूं सुधारन लई हुण दविंदर कुमार ने नूरजहां नूं कहा कि तू एक बार फिर लखदाता जी अगे फरियाद कर कि वह साडा बेड़ा पार करे, सानू सिटीजनशिप मिल जाए, ये मेरी आखिरी अजमैशी समझ लै। जे हुण पीर ने हुण तेरी गल मन ली तो मैं भी तेरे नाल अपनी नवी जिंदगी फिर तो मरीद बन के शुरू कर देंगा। नाले आपां हर साल लखदाता जी का मेला मनावांगे, नाले झंडे चढ़ावांगे, नाले होर भी वधिया दरबार बना के सारी जिंदगी सेवा करांगे। तद नूरजहां ने दविंदर नूं बड़े प्यार नाल समझाया कि भलिया लोका इन्हां पीरां फकीरां दी बार बार अजमैश नहीं करेगी, ये आप जानी जानने, क्योंकि पीरां विच बड़ी वड्डी करामात हुंदी है, ये फकीरी दे रंग कुछ होर ही हुंदे ने। ते दविंदर कुमार नूं कुछ इस तरह समझाउण लगी। जान जान के
ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਟਲੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੈਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਫਕੀਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਗੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਨੂਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਉਸ ਨੂਰਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਗਈ। ਤਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਕੰਟੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਨੂਰ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਘੋੜੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤਰਵ ਕੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉੱਠ ਖਲੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉੱਠੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਕੰਟੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਦ ਝਟਪਟ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਪਈ। ਆਖਰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ, ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। Oh
जान लाला वालिया तेरे नामे लाई जिंद जान तेरे नामे लाई जिंद जान लाला वालिया तेरे नामे लाई जिंद जान तेरे नामे लाई जिंद जान लख दातिया तेरे नामे लाई जिंद जान तेरे नामे लाई जिंद जान लाला वालिया तेरे नामे लाई जिंद जान साहा विच तू वसदा मैं दाता लाला वाला सखी सरवर अखवावे सखी सरवर अखवावे सखी सरवर अखवावे तू यो पीर निगाहे वाला चढ़क कीते आवे चढ़क कीते आवे चढ़क कीते आवे तू लख दाता लाला वाला सखी सरवर अखवावे तू यो पीर निगाहे वाला चढ़क कीत आवे तू सब दा कामल मुर्शिद तू सब दा कामल मुर्शिद तेरी उच्ची शान तेरे नाम लाई बैंदा तुरदा फिरदा तेरा नाम थियावा तेरा नाम थियावा तेरा नाम थियावा कमला रमला पान के साया अठे पैर लंघावा अठे पैर लंघावा अठे पैर लंघावा उठदा बैंदा तुरदा फिरदा तेरा नाम साइयां अठे पैर लंघावां तेरियां सिफता कर कर मेरी तेरियां सिफता कर कर मेरी थकदी नहीं जुबान तेरे नाम लाई तेरे नाम लाई जिंद जान लाला वालिया तेरे नाम लाई जिंद जान तेरे नाम लाई जिंद जान लख दातिया तेरे नाम लाई जिंद
दातिया तेरे नामे लाई जिंद जान, तेरे नामे लाई जिंद जान लाला वारिया, तेरे नामे लाई जिंद जान, तेरे नामे लाई जिंद जान लाला वारिया, तेरे नामे लाई जिंद जान। साध संगत जी, नूर जहां दा कुछ समा एदा ही गुरु पीर दी उस्तत करदियां लंघिया। आखिर वो इंडिया आए ते परिवार समेत मालिक साहिब जोत जी दे सर्व सांझा दरबार कांटियां हुशियारपुर विखे आए। जदों सतगुरां दे दर्शन कीते तां नूर जहां नूं वो सुपना सारा याद आ गया कि यह तां उही मालिक ने जिन्हां ने मैनू सुपने विच घोड़ी ते बैठ के दीदार दिते सन। साध संगत जी, नूर जहां ने खुद मैनू दस्सिया कि मैं उदों बहुत हैरान सां ते खुश भी, पर मैनू समझण विच ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि यह मेरे पीरो मुरशद दा ही संकेत सी। जे तुहाडा इश्क अपने मुरशद नाल सच्चा होवे तां उह रास्ता दसण भी खुद आप ही किसी ना किसी रूप विच आउंदा है। फिर नूर जहां जी ने अपने गुरु मालिक साहिब जोत जी तो गुर शब्द लैके अपनी रूहानियत की यात्रा शुरू की। वह जिमें जिमें सत्संग विच दसदे गए, नूर जहां जी ने उस तरह एक एक करके अपने अंदरों बुराइयां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। मन साफ होण लगा, जिमें ही मन विच्चों दुनियादारी निकली तद उस नूं महसूस होया कि मैं हुण रूहानियत दे असल मार्ग ते चल पई हाँ। गुरु तो ज्ञान लैके अपने आप नूं पूर्ण कर लिया सी। साध संगत जी, नूर जहां जी ने दस्या कि पीर मेरे विच कदे नहीं आए, बस एक एहसास विच महसूस होंदे हन, वो हर पल मेरे नाल रहिंदे ने। ये मंजिल पाउण लई दिखावे की लोड़ नहीं, बस गुरु के रंग विच मन रंगण की लोड़ है। इश्क करके फना होना पैंदा है। जदों साडा इश्क भी साडे पीर मुरशद लई सच्चा होवे ते अग्गियों गुरु भी पूरन मिल जावे तो फिर परमात्मा नाल असल मिलाप हो जाता है। साध संगत जी, नूर जहां की जिंदगी दे अजे होर भी बहुत सारे वाकया ने जो मैं कदे फिर पेश करांगा। अज कल ये लख दाता दी दीवानी ते मस्तानी अपने पति दविंदर कुमार अते दो बेटे जैनिश कुमार अते तनिश कुमार नाल पूरे परिवार समेत इंग्लैंड दे लेस्टर शहर विच खुशियां भरी जिंदगी बतीत कर रही है। घर विच ही लख दाता जी दा दरबार भी बनाया है जिथे सारा परिवार रल मिल के सेवा अते सीधा सलाम करता है। हर साल लख दाता जी दा लंगर भंडारा ते मेला लगाया जाता है। नूर जहां जी लख दुनिया विच मेले होने के बावजूद भी अपना ज़्यादा समा अपने पीरों मुरशद की सेवा अते इबादत विच गुजारदी है। नालों नाल अपने गुरु जी मालिक साहिब जोत जी की अपार कृपा अते पीर लख दाता जी की करम निवाजी सदका दरबार से आने वाली संगत के दुख दलिद्र भी दूर करती है। नूर जहां जी नूं जानन वाले लोग लख दाता जी की मंगती निमाणी नूर जहां दे नाम नाल याद करते हैं अते इस दी संगत करके इस दे पद चिन्हां ते चल के अपना जीवन सफला करन दी कोशिश कर रहे हैं। अते निमाणी नूर जहां जी दे नाल मिलके लख दाता पीर जी दी इउं जय जयकार करते हैं। लख दाता पीरा तेरे दर बैग आन के मंगिए दुआवां असी बैठे पल्ला तान के। लख दाता पीरा तेरे दर बैग आन के मंगिए दुआवां असी बैठे पल्ला तान के। एहो जिहा करीम एहो जिहा करीम कमाई लाला वालिया, सारिया नू खुशियां दिखाई लाला वालिया, जीदे ते भी तेरिया हो जानी पीरा रहमता
उस दिया जड़ा तो ही कट दे में जैमता जीदे ते भी तेरिया हो जाने पीरा रहमता उस दिया जड़ा तो ही कट दे में जैमता माड़ा कद बेड़ा ना माड़ा कद बेड़ा ना ले आई लाला वालिया सारियां नू खुशियां दिखाई पीरा मेरिया असी हर पल तेरी रजा च गुजारना तेरे हथ विच दाता डोबना के तारना डोबना के तारना डोबना के तारना असी हर पल तेरी रजा च गुजारना तेरे हथ विच दाता डोबना के तारना पिछले गुनाहानू पिछले गुनाहानू छुपाई लाला वालिया सबना दी चोली खैर पाई लाला वालिया सबना दी चोली खैर पाई लाला वालिया सारियां नू खुशियां दिखाई मेरे मालका ऐसे दर करके दीदार सच्चे रब दा उल्ला सर हाले वाला भला मंगे सब दा ऐसे दर करके दीदार सच्चे रब दा उल्ला सर हाले वाला भला मंगे सब दा सदा चंगे रामा ते सदा चंगे रामा ते चलाई लाला वालिया सबना दी चोली खैर पाई 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 लाला वालिया सत्संग जी लख दाता दी मंगती इस निवाणी नूर जहां जी की जिंदगी दे एहो जहे अजिहे होर भी बहुत वाकया ने जिन्हां नू मैं कदे फिर पेश करांगा इह सच्ची कहानी तुहानू किहो जिही लगी है तुसी अपने विचार मेरे नाल जरूर सांझे करने हुण मैं जल्द ही तुहाडे रूबरू होवांगा अपनी अगली कैसेट पीर नगाहे वाला भाग 27वां लैके उस विच भी पीर लखदाता जी अते पीर गौस पाक जी दे अज भी हसदे वसदे एक पाक मरीद की सच्ची कहानी होगी तद तक ले इंतजार करो पीर नगाहे वाला भाग 27वां दा चंगा बाकी फिर सही जय पीरां दी रब राखा रब राखा रब राखा।